बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमना ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग आमनास किचन 2020। सो ये जो है ये है मार्बल केक और ये हमने बनाया है बग़ैर ओवन के और बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। जो चीज़ें हमें केक बनाने के लिए दरकार हैं उसमें ये है मैदा। मैदा जो है वो 250 ग्राम्स है और शुगर भी 250 ग्राम्स है। ये पिसी हुई चीनी है। उसके अलावा इसके अंदर जाएंगे 4 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर पे हों, फ्रिज में रखे हुए ना हों। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो थोड़ी देर निकाल के बाहर रख दें। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा क्वार्टर टी स्पून जो है वो सॉल्ट है। ये हमारे पास है बेकिंग सोडा और ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर। इट विल बी अराउंड हाफ टी स्पून और ये 1 टी स्पून है। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा वैनिला एसेंस, ये 1 टी स्पून है। उसके अलावा जो इसके अंदर टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के बना रही हूँ तो इसमें हैंड बीटर इस्तेमाल हो रहा है, विस्क है और इसके अलावा एक स्पैचुला है। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1/2 कप के अराउंड। ठीक है जी, ये मैंने पैन जो है इसको मैंने पहले से ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के उसके ऊपर जो है वो डस्ट कर दिया है। ठीक है जनाब, उसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद खुश्क बाउल जिसके अंदर हम अब काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं अंडों से। सबसे पहले हमें बोल में अंडे ले लेने हैं। ठीक है जी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको बहुत ही अच्छी तरह विस्क करना है। केक बनाने के लिए बहुत जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंदर यही होते हैं कि एक तो आपका मैदा छना हुआ होना चाहिए, उसके अलावा जो आपकी बीटिंग होती है ना, अच्छा हैंड इलेक्ट्रिक बीटर मेरे पास है ना, इसलिए ये हैंड विस्क से या बीटर से स्टार्ट कर रही हूँ काम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दोस्त पीपल जिनके पास बीटर नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर, तो वो दे आर गेटिंग कन्फ्यूज कि भाई हम ये बना सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल बना सकते हैं आप सब भी, बस ये है कि अपने हाथों को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें और बनाएँ केक और खाएँ। बीटिंग जो है उसकी बहुत अच्छी तरह से करें हम। ठीक है, ये आप अराउंड 5 से 10 मिनट कर लेंगे तो इट विल बी इनफ, क्योंकि जितना अच्छा आपका एग बीट हुआ होता है ना उतना फ्लफी आपका केक बनता है। ये आप चाहें तो आप होममेड भी जब बनाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से बीट करके डालेंगे ना तो बहुत अच्छे आपके सॉफ्ट ऑमलेट बनेंगे। मैं जैसे इसके अंदर जो ये जो फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। आप जितना अच्छी तरह इसको बीट करेंगे ना उतना अच्छा आपके लिए मतलब स्पंज जो है ना वो आपको केक का बहुत अच्छा बनेगा। नाउ ऑन दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू ऐड द शुगर। अब इसको आपको उस वक्त तक बीट करना है अंटिल इट डिज़ोल्व कम्प्लीटली। वैसे तो ये पिसी हुई चीनी है तो ज़्यादा टाइम लेगी नहीं। ठीक है, उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल उस वक्त मैंने मेजर नहीं किया था तो ये लें अभी कर लेते हैं आपके सामने। हाफ जितना एक कप जो है या एक प्याली आपने अगर मैदा लिया है तो उसका हाफ, और चीनी ली है तो उसी का हाफ आपने ऑयल डाल देना है इसमें। साथ ही इसके अंदर हम वैनिला एक्सट्रैक्ट डाल देंगे। नाउ अगेन इसको बहुत अच्छी तरह से आप जो है वो लाइक उस वक्त तक आप उसको बीट करें या मिक्स करें अंटिल आपको ये क्रीमी टेक्सचर मिल जाए। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है जब तक इसकी चीनी डिजॉल्व कम्प्लीटली ना हो जाए और ऑयल जो है वो उसके साथ एक कम्प्लीट क्रीमी टेक्सचर जनरेट ना कर लें। ये अच्छी तरह से जो है इसकी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके ड्राई आइटम्स हैं इनको आपने मैदे के साथ मिक्स कर देना है। अब हम लोग ये आपका डला हुआ है बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा और ये है नमक। ठीक
ठीक है जी। अब आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऐड करते जाने हैं, इसके अंदर दो दो तीन तीन चमचा करके ऐड करने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको अब आपको बीट नहीं करना है, इसको आपको इस तरह से कट करके फोल्ड करना है, कट करके फोल्ड करना है। दिस इज़ अ टेक्निक कि आपका जो लोग बोलते हैं कि आपका केक जो है वो फूलता नहीं है या सॉफ्ट नहीं बनता है, तो उसका यही रीज़न होता है कि हम मैदा जो है वो डालकर बीट कर देते हैं, तेज़ तेज़ फेंट देते हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है वो कामली स्लोली आपको इस चीज़ को ख्याल रखना पड़ता है, इन पॉइंट्स को छोटे छोटे से बेकिंग के अंदर, कि आपने इसको जब आप ड्राई आइटम्स डालते हैं, मैदा डालेंगे, तो आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से जो है वो फोल्ड करना है। ठीक है, आपको इसको आहिस्ता सारा मैदा एक साथ डालेंगे, आप डाल सकते हैं इफ़ यू कैन हैंडल तो आप ज़रूर डालें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ना डालें। आहिस्ता आहिस्ता आप डालते जाएं थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएं। ठीक है जी, नाउ यू कैन सी अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी मुझे हल्की सी जो है वो थिक लग रही है। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड ओनली 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, 1 and 2। इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें, मिक्स कर लें, बहुत जेंटली करिएगा, अदरवाइज जो आपने बीट करने में जितना भी अंडे को मेहनत लगाई होगी ना, सब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैदा डालने के बाद हमें इसको बहुत लाइट हैंड से हैंडल करना होता है। ठीक है जनाब, फोल्ड ये अच्छी तरह हो चुका है, कंसिस्टेंसी अब इसकी थोड़ी सी पतली हो चुकी है कंपैरेटिवली जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। और बनाते बनाते मेरा थोड़ा सा इरादा जो है वो चेंज हो गया है कि मैं इसको मार्बल केक कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसी बैटर में से आपको 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो अलग कर लेना है। और ये मैंने लिया है कोको पाउडर, तो उसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो ये हो जाएगा ब्राउन कलर का बैटर और ये है वाइट कलर का बैटर। अब जो है हम इसको पैन के अंदर मार्बल करके दिखा दें। ठीक है जनाब, ये हमारा वाइट बैटर रेडी है और ये हमारा ब्राउन बैटर रेडी है। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू आपको कैसे करना है। हमें जो है वो बेकिंग पैन लेना है जिसके अंदर हमें बेकिंग करनी है, और इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं ये बैटर। ठीक है, थोड़ा ऐड करेंगे फिर रुक जाएंगे, इसको थोड़ा टैप करेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ ब्राउन वन, इसके हम बनाएंगे मार्बल। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह से जो है वो शेप्स देते हैं या कोई असेंबलिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा हो चुका है फाइनल लुक। अब हम इसको 2-3 दफ़ा टैप करने के बाद अब हम इसे रखने वाले हैं बेक करने के लिए। थोड़ी देर से बबल्स जो आ रहे हैं ये सारे बबल्स निकल जाएंगे इस तरह से आपके टैप करने से। देखो मैंने प्री हीट करके रखा था 10 मिनट्स प्रायर, अब जो है हम इसको रख देंगे फॉर 25 to 30 minutes मीडियम फ्लेम पे। This is approximately सो हियर वी हैव अ फाइनल लुक ऑफ केक। आप इसको देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से राइज हुआ हुआ है, कितना सॉफ्ट है, इसकी सॉफ्टनेस आपके सामने है। राइज भी देख लें आप, जितना बैटर मैंने पैन में डाला था ये उसका अप्रॉक्स डबल अप हो चुका है। ठीक है जी, आपने इसकी सॉफ्टनेस आप देखें, मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ आपको,
और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इट वाज सो यमी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। उसके साथ साथ मुझे आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है केक बना के खाएं और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलें साथ साथ। और जो है दैट्स ऑल फॉर द डे। आपकी कोई और रिक्वेस्ट है किसी चीज़ की रेसिपी की तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।